आर्मी चीफ का दौरा है चीन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर के साथ तफसीली मुलाकात। बाहमी सलामती के उमूर और फौजी तआवुन पर तबादला ख्याल। खत्ते में अमन बरकरार रखने और फौजी तआवुन बढ़ाने की जरूरत का इरादा। आर्मी चीफ को पीएलए आर्मी हेडक्वार्टर जामत पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम अदालती और कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत केसेज और नई ऑडियो लीक्स पर बातचीत। पीटीआई से मुज़ाकरात के मामले पर शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों से मशावरत करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास भी शेड्यूल्ड। अहम फैसलों का इम्कान। जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदम दस्तियाबी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर एक के केसेस डीलिस्ट। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनुल्ला भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर दो भी तब्दील। नए बेंच में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। मुल्क भर में बारिशों के तवील सिलसिले की पेशगोई। आज शाम से 29 अप्रैल तक कश्मीर और गिलगित में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान और सिंध में कल से 3 मई तक बारिशें हो सकती हैं। रूस से तेल की खरीदारी का मामला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि हर मुल्क को अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए खुद मुख्तार फैसलों का हक है। यकीनी बनाया जाए कि रूसी तवानाई की मार्केट प्यूटन की जंगी मशीनरी को वसाइल फराहम करने का सबब न बने। मोदी सरकार भारतीय आवाम को एक और धोखा देने को तैयार। राजौड़ी में फौजी ट्रक में लगने वाली आग की हजीमत मिटाने की खातर जाली ऑपरेशन किया जाएगा। पहले से छुपाए गोला बारूद की बरामदगी जाहिर की जाएगी। मलबा पाकिस्तान और तहरीक आजादी कश्मीर पर डालने का इम्कान।